अगर आप भी कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग राम मंदिर वाली इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो अपने डीपी प्रोफाइल के लिए, जिसके टी शर्ट पे आपका नाम लिखा और बैकग्राउंड पे राम मंदिर हो विद सनसेट, और भी एआई जनरेटर की हेल्प से इजीली ऐसे पिक्चर क्रिएट करा सकते हो जस्ट वन टैप पे। सो आज के वीडियो पे जो प्रॉम्प्ट दिया हूं उसमें से आप अपने लिए सोलो इमेजेस क्रिएट तो कर ही सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो कपल इमेज में बॉय एंड गर्ल दोनों का नाम लिखकर क्रिएट करना, तो आज की अमेजिंग वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ध्यान से देखते रहना। तो कैसे सबसे पहले आपको प्रोम चाहिए, तो प्रोम के लिए आपको सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिया हूँ एक साइट का, वहाँ पे आपको पूरा प्रोम मिल जाएगा सिंगल्स के लिए भी एंड कपल्स के लिए भी। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोम लिखा है देख सकते हो, यहाँ पे ओनली फॉर बॉय लिखा है। यहाँ पे जो प्रोम है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देखो जैसे ये इमेज क्रिएट हुई है ना, वैसे अगर क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखो, अदरवाइज आपको ऐसे इमेज नहीं मिलेंगे, सिंपल सा फोटो ही मिलेगा। बट ऐसे ही हाई क्वालिटी वाली इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो बिना स्किप करे देखो। तो ऐसे मैंने प्रोम को कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कहाँ करें, तो देखो यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको देख सकते हो टूल देखने को मिलेगा। सिंपली आप जैसे ही टूल को प्रेस करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड यहाँ पे जनरेट करना है। बट यहाँ पे अगर जैसे ज्वाइन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप इस टूल पे पहली बार आओगे तो यहाँ पे साइन अप करना जरूरी होता है, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे साइन इन कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यहाँ पे अगर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आपको आईडी बनाकर लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पे अभी मैं अकाउंट क्रिएट करके नहीं बता रहा, अगर आप अपने से अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आई मीन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हो कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, एंड साथ में जो इस टूल पे सिर्फ 15 बार इमेज जनरेट करा सकते हो। बट उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो 15 पॉइंट्स होती हैं वो आपके पास कैसे दोबारा आ सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देख लेना, आई बटन मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूं, हाउ टू साइन अप करके एक लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोम था यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं, एंड यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर लिखा है 25 ईयर, आप चाहो तो 15 ईयर भी लिख सकते हो, 10 ईयर भी लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। यहाँ पे जो नेम लिखा है यहाँ पे नेम को चेंज करना है, आपको अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट को प्रेस कर देना है, जिससे थोड़ा टाइम लोडिंग लेगी, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक, एंड लोडिंग कम्प्लीट होने के बाद इस तरीके से इमेज जनरेट करके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम लिखा है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है, एंड जो बैकग्राउंड पे मंदिर है वो भी बहुत ज्यादा सही लगे, ठीक है। बट कभी कभी जो हमारा नाम है वो मिस्टेकली आ जाती है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये जनरेटेड है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगेन क्रिएट को प्रेस कर सकते हो एंड न्यू इमेज जनरेट करा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो सही से आई है, तीनों चारों पिक्चर पे बहुत सही से जनरेट हो गई। नाउ यहाँ पे मैं अगेन क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे हमारे जा गई है फिर से, एंड यहाँ पे कुछ अलग टाइप की क्रिएट हुई है, एंड यहाँ जो इमेजेस है उसे सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से कुछ जैसे सेव कर लेना है, एंड ये आपके फाइल मैनेजर या गैलरी पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं फिर से जनरेट करने वाला हूँ, बट यहाँ पे जो नाम उसे मैं चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्रिसु लिख देता हूँ जो मेरा निकनेम है, एंड यहाँ पे अगेन क्रिएट को प्रेस कर दे। तो यहाँ पे लोडिंग ले रही है, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो इमेज हमारी क्रिएट होके आ गई है, एंड ये भी इमेज बहुत सही लग रही है देख सकते हो। तो एक बार और क्रिएट करा के देख लेते हैं, क्या पता इससे भी और अच्छी इमेजेस हमारे लिए क्रिएट हो गया आ जाएगी। ओके, यहाँ पे क्रिएट होने के बाद देख सकते हो सच में बहुत ज्यादा अच्छी क्रिएट हो गया गई। आप जितने बार ज्यादा क्रिएट करोगे उतना बार आपके फोटो बहुत अच्छी आएंगे, मैंने तो ये नोटिस करा है। तो इस तरीके से हम सिंगल बॉयज वाले राम मंदिर एडिटिंग करा, बट अगर यहाँ पे हमें कपल्स पे ऐड करना है, आई मीन बॉय एंड गर्ल दोनों हो, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे क्या लिखना, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे साइड पे आ जाना, एक तो बॉयज एंड गर्ल्स लिख एंड प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको सिंपली कॉपी कर लेना। यहाँ पे हमने प्रोम को कॉपी करा एंड सिंपली उस साइड पे वापस आ जाना, मतलब टूल वाली वेबसाइट पे वापस आना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो जो मेरा नाम लिखा है, निक नेम लिखा है एंड गर्ल का भी नाम, तो आप उसे हटाकर अपना नाम लिखते हो, आई मीन बॉय एंड गर्ल दोनों का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट को प्रेस कर देना एंड थोड़ा टाइम यहाँ पे लोड लेगी, एंड उसके बाद आपकी भी इमेज क्रिएट होके आ जाएगी। हाँ, यहाँ देख सकते हो ये इमेज क्रिएट होके आ गई, एंड इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, तो बहुत सही से आई है, यहाँ पे अच्छे से मेंशन हुआ है। बट हम अगेन यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करें, क्योंकि एक दो इमेज से सही नेम नहीं लिखा था, एंड अगेन जनरेट करने के बाद जो बैकग्राउंड पे टेम्पल है वो सही से नहीं आ रही है, मतलब वो टेम्पल ही नहीं लग रही है, कुछ अलग ही लग रही है, तो मैं अगेन यहाँ जनरेट करके देख लेता हूँ। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चेंजेस आई है, बट फिर भी मुझे इससे अच्छा ही चाहिए था, लेकिन उस तरह की इमेज जनरेट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या करा, मैंने जो प्रॉम्प्ट है उसे थोड़ा बहुत चेंज करके देखा। पहले तो मैं यहाँ पे नाम को चेंज कर लिया, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो लॉर्ड राम हिंदू टेम्पल लिखा है, यहाँ पे आपको टेम्पल से पहले इस टेक्स्ट को हटा देना है, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। मैं अब जनरेट करके देखता हूँ, क्या पता ये अब अच्छे से आ गई होगी, मतलब जो बैकग्राउंड पे मंदिर थी वो अच्छे से यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ क्रिएट होके आ गई है, एंड लिटरली गाइज यहाँ पे फिलहाल 4 पिक्चर में 3 पिक्चर तो मंदिर पे आए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड पे मंदिर है। अदरवाइज इससे पहले जो मैं जो जनरेट कर रहा था वो ऐसा लग रहा था कि वो मंदिर ही नहीं है और कुछ है, वो सही से मंदिर ही नहीं दिखा। तो आप देख सकते हो अब मैं यहाँ पे हमारे जो प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज करने के बाद अब ये सही से जो मंदिर
मंदिर है वो लग रही है एंड इमेज भी बहुत अच्छे से यहाँ पे जनरेट हुई। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए राम मंदिर इमेज जनरेट करा सकते हो जिसके टी शर्ट पे आप अपना नाम लिख सकते हो। एंड कपल्स के लिए भी मैंने जो बता रखा है ये बहुत ही अमेजिंग है, आप जरूर ट्राई करना। एंड अगर आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे तो मुझे टैग जरूर कर देना, ठीक है। बाकी अगर आपसे जनरेट नहीं हो पा रही तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल सकते हो, मैं आप लोग के लिए जनरेट करके दे दूंगा। एंड मैंने फाइनली बाइक के लिए प्रॉम्प्ट रेडी कर लिया है, आप कमेंट पे जरूर बताना ये वाली एडिटिंग कैसे लग रही है। एंड अगर आप चाहते हो कि इस एडिटिंग की वीडियो कल ही डाल दूं तो प्लीज आज की वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट करा देना। अगर 24 आवर के अंदर लाइक कंप्लीट हो जाते हैं एंड कमेंट पे क्रिएट इमेज फॉर बाइक कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे पता लग जाएगा कि इस एडिटिंग के लिए आप इंटरेस्टेड हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।